तो हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, यानी कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। यानी कि एंड मतलब और, ये इसके लिए यूज होगा साइन, और ये साइन पाइप साइन और के लिए, और ये नॉट साइन नॉट के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? अभी लास्ट क्लास में अभी जब हमने देखा था इसके अंदर के, हम जब चेक कर रहे थे उनको कंपेरिजन ऑपरेटर्स में, तो दो वेरिएबल के दरमियान की वैल्यूज को चेक कर रहे थे। अब दो कंडीशन को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? दो कंडीशंस को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? वो हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए। कैसे? देखिए यहाँ पे, अब एक कंडीशन हमने बनाई यहाँ पे ए बी, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमने बनाई सपोज टू बी, पहले हम एक कंडीशन बनाते हैं, ए की वैल्यू को 10 कर देते हैं और बी की वैल्यू को 20 कर देते हैं। एक कंडीशन हमने लिखी यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसका आंसर तो हमारे पास सामने आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा इसका। इसका आंसर आएगा ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ गया इसका, ट्रू आ गया, ठीक है, ये तो हमें पता ही था, तो ये बराबर है ही नहीं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा एंड ये लगाया, अब यहाँ पे दूसरे वेरिएबल्स को भी हम चेक कर सकते हैं। ए नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, एंड अगला हम क्या चेक कराना चाह रहे हैं, ए लेस देन बी, ठीक है, और अगली कंडीशन हमने ये डाल दी। अब दो कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन क्या है, चेक करो क्या ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, पहला कंडीशन चेक, अगर नहीं है, और साथ में ये भी चेक करो ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो इन दोनों कंडीशन के बिहाफ के ऊपर आपने फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो आंसर देगा ट्रू या फॉल्स में। पहले हम सिर्फ दो वेरिएबल के दरमियान में कंडीशन चेक कर रहे थे, अब दो कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अगर एंड ऑपरेटर बीच में है, इन दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स में आएगा, अगर ऑपरेटर और बीच में है, एक भी फॉल्स होती है तो आंसर ट्रू में आएगा, और अगर नॉट है तो, अगर दोनों ही फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स में आएगा, ठीक है, और दोनों ट्रू नहीं, दोनों फॉल्स होंगी तो आंसर ट्रू में आएगा, और दोनों ट्रू होंगी तो आंसर फॉल्स में आएगा, वो एंड के अपोजिट काम करेगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं, ये हम एक कंडीशन बनाई और इसको यहीं से कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ कोटेशंस लगाए हमने, कॉमा लगाया ताकि हमें पता चल जाए ये हमारी कंडीशन है, और इक्वल के आगे इसका आंसर देखना है। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो आंसर क्या आ गया इसके आगे, ट्रू। देखें चेक करते हैं, क्या ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, यस एग्जैक्टली ट्रू, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, यस ए की वैल्यू बी से भी छोटी है, तो आंसर दोनों तरफ पे क्या आ गया, दोनों तरफ पे ट्रू आ गया, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब चले मैं यहां लिख देता हूं, ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी था, ए ग्रेटर देन बी कर दिया, अब एक हो गई फॉल्स और एक हो गया ट्रू, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स। एंड कंडीशन जितनी भी बीच में डालेंगे, जितने भी आप कंडीशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, एक कंडीशन दो कंडीशन तीन भी ऐड कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन भी आप डाल सकते हैं जितने एंड बीच में डाल रहे हैं, लेकिन जितने एंड बीच में लगाएंगे सबके आंसर अगर ट्रू आएंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी आंसर फॉल्स में हो गया तो आंसर आपका किस पे चला जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा। तो ये आपका हो गया एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं एंड, सही। अब चलते हैं हम दूसरे ऑपरेटर की तरफ, और इसका साइन भी लिख देता हूं मैं इसके आगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ये देखिए, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पे और ऑपरेटर, अब इसी कंडीशन को हम डालेंगे और ऑपरेटर के अंदर, तो यहाँ पे हम चले गए और इसको यहाँ पे डबल कंडीशन टेक में डाल देंगे, और बीच में ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं, ओ आर आर कर देते हैं, ओ आर, ये और ऑपरेटर आ गया, और यहाँ पे दो पाइप साइन इंटर के बटन जो ऊपर होता है उस साइन को दो बार दबाएंगे, और यहाँ पे हमने नॉट लिखा था, ये तो चलो वही कंडीशन वही रहेगी, और यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल हम बीच में और लगा देंगे, ठीक है। अब और ऑपरेटर का ये फॉर्मूला है कि अगर आपने जो भी दो कंडीशन चेक करा रहे हैं इनमें से एक भी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू में आएगा, एक भी ट्रू हो गई, चलो चेक करते हैं, तो आंसर देखिए दोनों साइड पे और ऑपरेटर का किस में आ रहा है, अभी इसको थोड़ा सा बी आर कर लेते हैं, एक न्यू लाइन कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने एक बी आर लगा दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे देखें और ऑपरेटर का आंसर ट्रू में आ रहा है जबकि एंड ऑपरेटर का आंसर किस में आ रहा है, फॉल्स में आ रहा है, क्योंकि इसमें से एक तो ट्रू हो ही रही है ना, चेक करते हैं कौन सी ट्रू हो रही है, ए नॉट बी, तो ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, बल्कि यहां तो दोनों ही ट्रू हो रही है कि एक फॉल्स हो रही है, ए की वैल्यू बी के से बड़ी नहीं है लेकिन ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो यहां पे इस तरह से हो रहा है। चलें अब एक कंडीशन को हम जो है क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं, हम यहां लिखते हैं ए लेस देन बी, और यहां पे रिफ्रेश करते हैं, तब भी आंसर इसका किस में आ रहा है, ट्रू में आ रहा है, हालांकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ए की वैल्यू बी से छोटी है लेकिन ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू हुआ, तीनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ, चारों में से कोई भी एक ट्रू हुआ, तो आंसर आपको किस में देगा,
ट्रू में देगा, जबकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, जितनी कंडीशन बीच में आप एंड डाल रहे हैं उनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर किस में देगा, सिर्फ ट्रू उस सूरत में देगा जब सारे के सारे जो है ट्रू होने चाहिए। अब आ जाते हैं नॉट ऑपरेटर के ऊपर, तो यहाँ से हम ले लेते हैं नॉट और कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे और के बाद नॉट ऑपरेटर कैसे काम करेगा, यहाँ पे लगाएंगे नॉट एक और यहाँ पर भी हमने कंडीशन को वही बरकरार रखा, ठीक है, और बीच पे लगा दिया हमने एक नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर लगाया तो सही, आंसर देखते हैं क्या दे रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब आंसर क्यों फॉल्स में आ रहा है, इसके अंदर यहां पर इसमें हुआ ये है कि नॉट ऑपरेटर के अंदर आपने कंडीशन को चेक करना है, कंडीशन हमने क्या लगाई थी, भाई मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि अच्छा बीच में यहां एक नॉट भी लगा हुआ था, एक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है इसका, नॉट, अच्छा नॉट के साथ और भी आ रहा है, यहां से इसको देना है, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना हमें, नॉट ए नॉट बी, अच्छा ठीक है। तो एक जगह हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी और एक जगह लिखा हमने ए लेस देन बी, तो मैं इसको यहां पे कर देता हूं ए ग्रेटर देन बी और एक जगह कर देता हूं ए लेस देन बी, नॉट इक्वल टू बीच में लगा हुआ ऑपरेटर के तौर पे, तो इस दोनों में आंसर हमारा आ रहा है बीच में यहां पे नॉट लगाना, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अब आंसर हमारा क्या आ रहा है, ट्रू। क्यों आंसर ट्रू आ रहा है, देखें आंसर इसलिए ट्रू आ रहा है, ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है लेकिन ए की वैल्यू बी से छोटी है। अब दोनों में से एक भी अगर हो गया मिसाल के तौर पे फॉल्स तो आंसर उसने हमें किस में कर दिया, ट्रू में कर दिया, अपोजिट कर दिया ना उसने, एंड क्या करता, एंड फॉल्स कर देता, इसने उसको उसका अपोजिट कर दिया, आंसर किस में कर दिया, फॉल्स में कर दिया, ट्रू में कर दिया। तो इस तरह से हमारा नॉट ऑपरेटर इस पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम मुख्तलिफ कंडीशंस चेक करने के लिए यूज करेंगे और बीच में, तो इसको आपको समझ में आने चाहिए, मैंने बता कर दिया इसको।